हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सुनील ऑटोकार एंड आज हम लोग बात करने वाले हुंडई की फेमस ऑल न्यू हुंडई क्रेटा के बारे में। एंड ये देख रहे हैं आप क्रेटा का सेकंड टॉप एसएक्स वेरिएंट एंड क्या कुछ आपको इस वेरिएंट में ऑफर किया जाता है, इसके प्राइस, इंटीरियर, एक्सटीरियर, तो सब कुछ आज डिटेल में हम लोग बात करेंगे। एंड फ्रंट लुक्स तो इसके काफ़ी बड़े आपको ब्रॉड एंड मस्कुलर से देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा वेटिंग चली बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग एसयूवी कार में से एक है ऑल न्यू हुंडई क्रेटा। सो काफ़ी बड़े आपको इसमें डीजल पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे टोटल 7 कलर ऑप्शन में देखने को मिलती है, जिसमें आप इसका देख रहे हैं व्हाइट कलर, इसके अलावा आपको ब्लैक, सिल्वर, ऑरेंज, रेड एंड ग्रे कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इस तरह आपको स्मार्ट की ऑफर की जाती है, इसमें लॉक अनलॉक एंड इसको होल्ड करके रखते हो तो आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है। देन यहाँ पे बूट ओपन का बटन इसके की में देखने को मिल जाएगा। पीछे हुंडई की ब्रांडिंग है, यहाँ पे आपको दो स्मार्ट की दी जाती हैं। तो फ्रंट से तो काफ़ी बढ़िया आपको इसके मस्कुलर एंड ब्रॉड से लुक्स मिल जाते हैं एंड काफ़ी सारे आपको फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे कि ब्लू लिंक वगैरह, कीलेस एंट्री, बड़ी सी सनरूफ, एलॉयस, इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो देखते हैं क्या कुछ आपको इसमें मिलता है, तो डिटेल में आज कवर करते हैं। तो फ्रंट से स्टार्ट करें तो सबसे पहले देखेंगे इसके फ्रंट लुक्स में, तो आपको काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पे हुंडई का सेंटर में लोगो देखने को मिल जाता है एंड पूरी क्रोम ट्रीटमेंट में इसकी फ्रंट ग्रिल आपको ऑफर की जाती है, जो काफ़ी बढ़िया मस्कुलर सी लगती है देखने में। देन जब आते हैं इसके हेडलाइट यूनिट की तरफ, तो यहाँ पे देखेंगे काफ़ी बढ़िया से इसके हेडलाइट यूनिट देखने को मिलती है। इसके सराउंडिंग आपको ये डीआरएल देखने को मिल जाता है, डे टाइम रनिंग लाइट, एंड ये आपको एलईडी हेडलाइट्स मिलते हैं, जो काफ़ी बढ़िया इनका आपको थ्रो देखने को मिल जाएगा। देन आएंगे अगर नीचे इसके बम्पर की साइड, तो यहाँ नीचे बम्पर में देखेंगे यहाँ पे आपको फॉग लैम्प एंड टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है उसी के बगल में। देन यहाँ पे आपको टोइंग हुक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और जब लोअर ग्रिल में आएंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की ऑफर की जाती है, काफ़ी बड़ी सी सिल्वर फिनिश में आपको इसकी प्लेट देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे 190 mm का आपको इसका ग्राउंड क्लियर दिया जाता है इस एसयूवी कार का, जो काफ़ी बढ़िया है। एंड ये सेकंड जनरेशन आप क्रेटा का देख रहे हैं, और यहाँ पे जब आएंगे बोनेट के ऊपर, तो यहाँ पे देखेंगे आपको वाइपर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, काफ़ी बड़ी सी यहाँ पे सनरूफ एंड रूफ रेल्स वगैरह भी आपको मिल जाती है इस एसएक्स वेरिएंट में। एंड ऐसी कुछ दिखते हैं आपको इसकी प्रॉपर साइड प्रोफाइल, सो काफ़ी बढ़िया से आपको यहाँ पे साइड प्रोफाइल भी इसकी दी जाती है। एंड यहाँ पे बात कर लीजिए अगर इसके डायमेंशन के बारे में, तो 4300 mm की आपको इसकी लेंथ मिल जाती है एंड 1790 mm की विथ और 1635 mm की हाइट मिल जाएगी आपको ऑल न्यू हुंडई क्रेटा की। तो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे डायमेंशंस ऑफर की जाती हैं। देन आते हैं इनके अलॉयज़ की तरफ, तो 17 inches के आपको काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में इसके अलॉयज़ मिल जाते हैं। हुंडई की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पे अपोलो के टायर्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें, और डिस्क ब्रेक वगैरह भी आप देख सकते हैं। एंड टायर डायमेंशन की बात करें तो देख सकते हैं 215/60 R17 inches के आपको यहाँ पे रेडियल के टायर प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे जो बॉडी सस्पेंशन के गैप है काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लाइडिंग भी मिल जाएगी ब्लैक फिनिश में। देन आते हैं इसके ORVMs की तरफ, तो आपको बॉडी कलर में ऑफर किए जाते हैं। एंड देखेंगे टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी आपको इसी में देखने को मिल जाती है, एंड काफ़ी बढ़िया ये ऑटो फोल्डेबल आपको यहाँ पे इसके ORVMs ऑफर किए जाते हैं। सो लॉक अनलॉक करने पे फोल्ड अनफोल्ड हो जाएंगे। देन यहाँ पे ए पिलर देखेंगे तो काफ़ी बड़ा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाता है। रूफ रेल्स आपको सिल्वर फिनिश में, काफ़ी बड़ा सा सनरूफ। देन आते हैं इनके डोर हैंडल्स की तरफ, तो उससे पहले नीचे देखेंगे तो आपको रनिंग बोर्ड भी देखने को मिल जाएगा सिल्वर फिनिश में, काफ़ी बढ़िया सा। देन इसके डोर हैंडल जो है सारे आपको क्रोम फिनिश में मिलते हैं। यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री ऑफर की जाती है, सो आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया इसका फ्रंट डैशबोर्ड, जिसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम लोग। देन यहाँ पे जो आपको ये पिलर्स मिलते हैं सारे आपको रफ ब्लैक फिनिश में देखने को मिलते हैं। देन जब आएंगे बैक की साइड में, तो यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया देखेंगे आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाती है। एंड अब चलते हैं इसकी बैक प्रोफाइल में, तो देखते हैं कैसी दिखती है इसकी बैक प्रोफाइल। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ब्रॉड एंड अट्रैक्टिव से आपको इसके लुक्स मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया डीडी टेल लैंप वगैरह। यहाँ पे बात करें अगर इसके इंजन स्पेक के बारे में, तो ये देख रहे हैं आप इसका 1.5 liter MPI पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको 113 bhp की पावर एंड 144 Nm का टॉर्क एंड समथिंग आपको 16.8 kmpl का माइलेज मिल जाता है आपको इसके पेट्रोल इंजन के साथ। एंड डीजल इंजन की आपको स्पेसिफिकेशन आपके स्क्रीन पर शो हो रही होगी, तो आइए देखते हैं इसके सेंटर में क्या कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे हुंडई का लोगो देखने को मिल जाता है। देन उसके नीचे यहाँ पे आपको क्रेटा की ब्रांडिंग बैजिंग देखने को मिल जाएगी काफ़ी बड़ी सी। यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड स्पेशल थैंक्स SAS हुंडई। इसकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल इनकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे वाइपर, दंडी, फॉगर, ऊपर आते तो यहाँ रूप में शार्फन एंटीना देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सी देखेंगे तो आपको यहाँ पे LED टेल लैम्प्स ऑफर की गई हैं। एंड नीचे आएंगे बम्पर की साइड, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर एंड रिवर्स लाइट वगैरह देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे इसके बम्पर में। डुअल टोन में आपको इसका बैक बम्पर दिया गया है सिल्वर एंड ब्लैक फिनिश में। यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी आपको इसकी प्लेट मिल जाती है। नीचे देखेंगे एग्जॉस्ट वगैरह एंड सस्पेंशन का पूरा कुछ इस तरह सेटअप दिखता है। देन अभी आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस, तो उससे पहले देख लीजिए यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। देन अपनी की से ही आप अपने बूट को अनलॉक कर सकते हैं, सारी डोर्स आपकी लॉक रहेंगी और आपका बूट अनलॉक हो जाता है। तो आइए आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो ऐसा कुछ दिखेगा अंदर का कैबिन जब आप अपने बूट को ओपन करते हैं। काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे वगैरह देखने को मिल जाती है एंड 443 liter का आपको यहाँ पे इसका बूट स्पेस मिलता है। काफ़ी बड़ा लगेज ये आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये काफ़ी बड़ी सी इसकी पार्सल ट्रे, जिसको आप हटा भी सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपको बूट लैंप वगैरह भी देखने को मिल जाती है।
और इसी के नीचे यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया में ऑफर किया जाता है। आपको एलॉयस का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सो काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे लगेज एरिया मिल जाता है। सो ऑल ओवर कुछ इस तरह दिखता है इसका बूट स्पेस। सो अभी इसको क्लोज कर देते हैं एंड देखेंगे और क्या कुछ दिया हुआ है इस काफ़ी फेमस एसयूवी कार ऑल न्यू हुंडई क्रेटा में। एंड काफ़ी बढ़िया से आपको यहाँ पे इसके बैक लुक्स दिए जाते हैं। तो अभी चलेंगे इसके इंटीरियर में, देखेंगे क्या कुछ आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है, क्या कुछ फीचर्स हैं। सो यहाँ पे देखेंगे आपको कीलेस एंट्री वगैरह भी देखने को मिल जाती है। जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करते हो तो इसके ओरविन जो है अनफोल्ड हो जाएंगे। सो डुअल टोन में आपको इसकी डोर देखने को मिलती है काफ़ी बढ़िया ब्लैक एंड बीच फिनिश में। देन ये इसका काफ़ी प्रीमियम सा फ्रंट डैशबोर्ड यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऑल फोर पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक एंड अपने ओआरबीएम को फोल्ड अनफोल्ड एंड एडजस्ट कर सकते हैं। डोर ओपनर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर, देन स्पीकर की प्लेसमेंट। तो बैठते हैं अंदर फिर दिखाते हैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह। तो डोर को क्लोज कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाता है। सो ऑन करते हैं इसके इंजन को एंड ऑन करने के बाद कुछ इस तरह आपको दिखेगा काफ़ी बढ़िया सा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें काफ़ी सारी चेक लाइट्स, वार्निंग लाइट्स एंड लेफ्ट साइड आपको आरपीएम मीटर देखने को मिल जाता है, राइट साइड स्पीडोमीटर जिसकी 240 आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी एंड कंपास वगैरह कितनी क्या चल गई है, एवरेज वगैरह, टेम्परेचर, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिल जाती है। देन ये इसका फ्रंट डैशबोर्ड काफ़ी बढ़िया फिट एंड फिनिश आपको मिल जाएगी। देन स्टेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको हुंडई का लोगो, इधर सारे आपको इंफोटेनमेंट, ब्लूटूथ कॉल्स, वॉइस कमांड वगैरह के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। इधर आते तो आपको क्रूज कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं राइट साइड। एंड यहाँ पे फ्लैट बॉटम आपको स्टेयरिंग दी गई काफ़ी बढ़िया, लेदर रैप, देन इधर वाइपर्स के कंट्रोल्स, इधर हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। देन ये इसका फ्रंट डैशबोर्ड। आते सेंटर कंसोल में तो यहाँ पे 10.25 इंचेस का काफ़ी बढ़िया टच इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें नेविगेशन, ब्लू लिंक वगैरह काफ़ी सारे आपको फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लू लिंक वगैरह भी मिल जाता है इसमें एंड काफ़ी बढ़िया इसका साउंड आउटपुट भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब सपोर्टेड होगा, यूएसबी ऑक्स वगैरह। सो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे टच रिस्पॉन्स भी देखने को मिल जाता है, ब्लू लिंक एंड वॉइस कमांड वगैरह भी सपोर्ट करता है ये। सो ऊपर आएंगे यहाँ पे एसी वेंट्स के डिज़ाइन देख सकते हैं सिल्वर फिनिश में। देन नीचे की साइड आपको फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हजार लाइट का स्विच, यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एंड यूएसबी के पोर्ट, वायरलेस चार्जिंग का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है इसमें। देन ये देख रहे हैं आप इसका 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, MT का भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है, ये व्यू बटन जिससे आप गाड़ी को ड्राइव करते समय रियर का देख सकते हैं, पीछे साइड का तो आपको इन्फोटेनमेंट में शो होगा। देन ये इसकी हैंड ब्रेक, दो ग्लास होल्डर, ये इसका आर्म रेस्ट एंड इतना कुछ आपको स्टोरेज स्पेस भी मिल जाता है इसके आर्म रेस्ट में। सो ऑल ओवर तो काफ़ी बढ़िया फ्रंट डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे सीवेंट्स के डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाती है ब्लू फिनिश, ब्लू कलर की काफ़ी बढ़िया सी, जो नाइट में काफ़ी बढ़िया लगेगी देखने में। एंड इसका कोल्ड ग्लव बॉक्स आपको दिया जाता है इसके SX वेरियंट में। देन ये लेफ्ट वाली डोर, ऊपर आते तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल, यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाएगा आपको पैसेंजर साइड सनवाइजर में। देन यहाँ पे ये सनरूफ के कंट्रोल्स एंड ये रीडिंग लैंप आपको जिनका थ्रो वाइट मिलता है काफ़ी बढ़िया लगते हैं नाइट में। देन ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिलेगा, वैनिटी मिरर नहीं दिया जाता है। सो सनरूफ को ओपन करके दिखाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बड़ी सी आपको यहाँ पे इसकी मूनरूफ दी जाती है, काफ़ी बढ़िया व्यू आपको दिखेगा जब आप कहीं हिल स्टेशन वगैरह कहीं घूमने जाते हैं, देख सकते हैं पूरी छत इसकी खुल जाती है। सो काफ़ी बढ़िया पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाता है। सो यहीं से आप इसको ओपन कर सकते हैं एंड क्लोज कर सकते हैं, बटन जो आपको मिल जाते हैं, ये ग्लास होल्डर्स, इसका सन ग्लास होल्डर, इसका ऑटो डिमिंग IRVM एंड ब्लू लिंक वगैरह भी, SOS सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। सो ऑल ओवर तो काफ़ी बढ़िया है अंदर से ऑल न्यू हुंडई क्रेटा। केबिन स्पेस आप देख सकते हैं पीछे कुछ इस तरह दिखेगा इसका केबिन। सो अभी ऑफ करेंगे इसके इंजन को एंड चलेंगे इसके रियर सीट पे, वहाँ पे देखेंगे कैसा क्या इसका सेटिंग अरेंजमेंट है एंड कैसा क्या कम्फर्ट लेवल है। सो निकलते हैं इसके बाहर एंड यहाँ पे अगर बात करें इसके फ्रंट डैशबोर्ड की तो काफ़ी प्रीमियम सा है और इसमें आपको 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाता है एंड 1.5 लीटर CRDI डीजल का भी। देन यहाँ पे चलते हैं इसके रियर सीट पे। सो देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको दिखती है डुअल टोन में, तो उस साइड से दिखाते हैं। क्रोम फिनिश में ही आपको सारे डोर हैंडल मिलते हैं। देन यहाँ देखेंगे डोर में तो आपको ये पावर विंडो का कंट्रोल, ऊपर सिल्वर फिनिश में इसका डोर ओपनर, यहाँ पे ये कर्टन्स मिल जाते हैं जो सनसेट वगैरह काफ़ी बढ़िया आपको प्रोटेक्ट करेंगे।
देन यहाँ पे स्पीकर, नीचे बॉटल होल्डर देखने को मिल जाएगा इसके डोर में। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको रियर पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट वगैरह भी आपको ऑफर की जाती हैं इसमें, जैसा कि सारी गाड़ियों में मिलती हैं। एंड बैठने के बाद फ्रंट डैशबोर्ड कुछ इस तरह दिखेगा, काफ़ी बढ़िया प्रीमियम सा। देन आएंगे नीचे थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग का सॉकेट, कुछ स्पेस जिसमें कॉइन्स या फ़ोन वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ऊपर काफ़ी बड़ी सी इसकी सनरूफ, एंड इतना कुछ आपको काफ़ी बढ़िया सा लेग स्पेस एंड थाई सपोर्ट मिल जाता है, तो तीन लोग तो ईजिली इसमें बैठ जाएंगे। ये इधर डोर, ऊपर ग्रैप हैंडल, पीछे पार्सल ट्रे जिसमें आप छोटा मोटा कुछ भी सामान रख सकते हैं, एडजस्टेबल इसके हेडरेस्ट। देन यहाँ पे देखेंगे तो आपको आर्मरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, पन्नी लगी हुई, मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता हूँ। तो काफ़ी बढ़िया है इसका केबिन स्पेस भी। तो अभी चलेंगे हम लोग बाहर एंड बात करेंगे इसके प्राइस एंड फीचर्स के बारे में। उससे पहले अगर बात की जाए इसकी वारंटी के बारे में, तो हुंडई आपको इसमें 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी प्रोवाइड कराता है इस कार के साथ। एंड यहाँ पर अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 10,16,000 से इसका एक्स शोरूम बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो इसका ये पेट्रोल वेरिएंट देख रहे हैं एसएक्स, ये आपको 14,13,000 एक्स शोरूम एंड 16,81,000 ऑन रोड पड़ता है लखनऊ में इसका पेट्रोल वेरिएंट। यही अगर आप इसका डीजल में लेते हैं एसएक्स तो आपको 17,92,000 ऑन रोड पड़ेगा लखनऊ में। एंड बात करें अगर इस कार की कॉम्पिटिटर की, तो महिंद्रा की XUV300 एंड किया सेल्टॉस जैसी इसकी कॉम्पिटिटर बन जाती जो सिमिलर प्राइस रेंज में आती है। तो इसमें काफ़ी सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी डिमांडिंग एसयूवी कारों में से एक है, ऑल न्यू हुंडई क्रेटा, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसकी वेटिंग पीरियड चल रही है। सो यहाँ पे अगर बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो आपको इसमें ABS विद EBD डुअल एयरबैग, सेंटर लॉकिंग, क्रैश सेंसर, पावर डोर लॉक, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, इंपैक्ट सेंसिंग डोर लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल एंड TPM इंजन इम्बलाइजर जैसे आपको फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो ऑल न्यू हुंडई क्रेटा का। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। We'll be right back.